नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो पे हम आपको दिखाएंगे जो R15M का जो सिल्वर कलर में जो नया एडिशन आया है वो बाइक अंदर ही है, तो उसका रिव्यू आज देंगे। और हम आ गए हैं जो तेतुलिया है, आखिरी ऑटो सेंटर जहाँ से मैंने बाइक खरीदा था, उधर से ही आ गया। तो आओ दिखाते हूँ कि जो नए मॉडल है उस पर क्या क्या है, सब कुछ आप दिखाऊंगा। ये है ES6 का जो R15 सिल्वर कलर के जो नई एडिशन आया है, ये वही बाइक है जो आपके सामने खड़ा हुआ है। तो आज इस बाइक का रिव्यू होगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt it's painful, all is said and done. तो गाइज, इस बाइक में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है पहले बाइक से। R15M का जो और मॉडल है उस पर यह एक यामा का स्टिकनिंग होता है, इस बाइक पे वो नहीं है। और इधर है ये जो स्टिकनिंग है, ये R15 के और मॉडल पे नहीं है। तो इधर ये जो R15M लिखा गया है, ये देखने में बहुत ही बढ़िया सा लगता है। और पिछले बार की तरफ ये भी DRL लाइट है और यह प्रोजेक्टर लाइट है। यह एक ABS लिखा हुआ रहता है, जो ABS ये इधर नहीं लिखा हुआ है। और सेमी है ये, यहाँ पर KYB का गोल्डन कलर के सस्पेंशन है, USD फॉक्स, और इधर भी गोल्डन कलर के जो बाइबर है वो ब्रेक्स है, डिस्प्लेट भी है, सब कुछ है। इधर क्विक शिफ्टर लिखा हुआ है और R15M है वो भी लिखा हुआ है ब्लैक कलर के ऊपर। ये सिल्वर कलर के ऊपर जो R15 के लोगो है वो है। R15 जो मॉन्स्टर एडिशन है, उधर तो ये जो क्विक शिफ्टर लिखा हुआ है, ये क्विक शिफ्टर इधर लिखा हुआ रहता है और ये पर दे दिया है। और यहाँ पर यामाहा लिखा हुआ है, जो और मॉडल पे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहता है। तो ये भी देखने में बहुत ही बढ़िया सा लगता है, इधर जो यामाहा लिखा हुआ है ये देखने में। इधर दिया हुआ है जो डिश ऑयल का है वो है, ये पाइप जगह है और ये सिलेंडर है। और इधर सिल्वर कलर में जो सिलेंडर पैड है वो दे दिया है फुटेस, और ये फ्रंट फुटेस है और ये रियर फुटेस है, और इधर सिल्वर कलर में दे दिया है। और इधर जो कार्बन टाइप के जो सीट कवर होती है वो दे दिया, कार्बन डिज़ाइन में सीट कवर। और इधर R15M का लोगो है, इधर दे दिया VVA वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन का जो लोगो है, इधर वो दे दिया है। और मेरे बाइक पे तो ये जो लोगो है, ये लोगो सामने की तरफ दे दिया। ये जो LED बैक इंडिकेटर यानी इंडिकेटर है, इसको चेंज किया है। पहले बाइक पे ये इंडिकेटर नहीं था, तो इसको LED कर दिया गया। इसका जो स्विच है, तो इस स्विच को चेंज कर दिया, इधर से ये नए नए फीचर्स दे दिया, और इधर से एक दे दिया ये जो है इसका। और इधर जो स्विच था, इस स्विच का जो इधर एक इन्फो बटन था, वो इन्फो बटन नहीं दिया है, इन्फो बटन कई और दे दिया। और इधर जो हैजर्ड इंडिकेटर वो दे दिया, और इधर स्टार्ट ऑन ऑफ वो सब स्विच दे दिया। नेक्स्ट जो चेंज की बात करूँ तो ये है जो इन डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख सकते हो कितना अच्छा से ये सब दे दिया, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा है। ये जो डिज़ाइन किया हुआ है, इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर गियर चेंज करूँ तो दिखाता है बहुत ही अच्छे से, आपको रात में भी दिख जाएगा, दिन में भी दिख जाएगा मोबाइल पे। तो बहुत ही अच्छा ये फीचर्स दिया हुआ है, जो देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो स्विच है, इसको सब मोड चेंज करता है, मोड चेंज किया जाता है। और इधर इंडिकेटर हॉर्न, ये तो यहाँ पर दे दिया। और पिछले बाइक पे जो अपर डिपर था वो इधर दे दिया गया था रेड स्विच पे, और वो अब इस बाइक पे इधर दे दिया। इसको ऐसे दबाओगे तो डिपर हो जाएगा, और इसको ऐसे उठाओगे तो हो जाएगा। तो ये फीचर्स भी बहुत ही अच्छा किया है। और एक बार आपको स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ। कितना आवाज़ आता है ये देखो, जो RPM है वो उठ रहा है। पे एक लोगो दिया हुआ है R15M, ये तो मेरे बाइक पे नहीं है, तो ये दिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये मेरे बाइक पे भी दे देता तो बहुत अच्छा लगता। और इसका सीटिंग पोजीशन देखो जरा, भैया ने बोला था कि इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो एक बार देख लेता हूँ कितना।
तो इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, क्योंकि मेरे बाइक पे तो मैं दोनों तरफ भी फुल पैर लेता हूँ और इधर दोनों साइड मेरा पैर नहीं पहुँच रहा है, तो इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है सिटिंग पोजीशन। और इसमें भी क्विक शिफ्टर दिया हुआ है इधर, क्विक शिफ्टर और येलो कलर की जो सस्पेंशन है पीछे वो दिया है, और सिल्वर कलर में अलाइनमेंट स्विंग आर्म दे दिया इधर, और ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं लग रहा है। और टायर भी पिछले बाइक की तरह ही सेम टायर है, सामने भी और पीछे भी दोनों ही तरफ सेम टायर है, चेन भी सेम है, स्पॉकेट भी सेम है। तो मैंने सोचा था कि इसको गोल्डन कलर दिया जाएगा, तो इसको भी ब्लैक कलर में ही रखा गया है। और गाइस R15M की जो ओल्ड मॉडल है वो है ये बाइक, ये देख सकते हो, ये भी सेम था उस बाइक पे भी, और इधर भी उस पे स्टिकनिंग नहीं था R15M, और नहीं तो यामा की स्टिकनिंग नहीं था। और इधर जो मैंने बोला था कि ABS के बारे में, तो ABS इधर लिखा हुआ है और उस बाइक पे नहीं लिखा हुआ था ABS, और इधर सेम चीज़ किया हुआ है। और इस पे ये जो हेलोजन इंडिकेटर देख रहे हो इसको चेंज किया गया है, और इधर इसको भी यहाँ पर भी यामाहा लिखा हुआ है। इधर जो स्टिकनिंग है ये भी सेम है, ये जो सीट कवर है ये भी सेम है, इधर R15M ये भी सेम है, इधर जो स्टिकनिंग किया हुआ है और इधर जो लोगो दिया हुआ है R15M ये भी सेम है, इधर ये कैप सेम है, ये सब सेम है। इधर जो आप ट्रिप इन्फो देख रहे हो इसका चेंज करके ये इधर दे दिया है, इधर में ये जो स्विच है इसको दे दिया इधर, और ये जो पास और अपर डिपर जो स्विच है उसको इधर दे दिया, और इधर सब कुछ सेम बस। और ये जो मीटर है इस मीटर को चेंज किया हुआ है, उसका जो मीटर है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो गाइस इस गाड़ी में जो जो चेंज है, तो एक नंबर ये जो यहाँ पर जो ABS लिखा हुआ है इसको चेंज किया गया है, दो नंबर इसका जो हैलोजन इंडिकेटर ये साइड करके यानी हटा के LED वाला इंडिकेटर दे दिया है, तीन नंबर की बात करूँ तो ये जो इन्फो बटन यह था वो इन्फो बटन यह दिया गया, ये तीन नंबर और चार नंबर ये जो अपर डिपर स्विच है इस स्विच को इधर दे दिया, ये चार नंबर हो गया। और पाँच नंबर की बात करूँ तो ये जो मीटर है ये मीटर को चेंज किया हुआ है, जो LED मीटर LED जैसा ही है डिजिटल मीटर, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस बाइक में तो दिन में अच्छे से नहीं दिखाई देता है और उस बाइक में बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो भाई दोनों बाइक में जो फ़र्क है अंतर है वो आपको दिखा दिया कि कितना कितना चेंज है, पास चीज चेंज है, तो वो सब कुछ आपको दिखा दिया है, तो आप खुद ही डिसाइड कर लो। मेरे तरफ से तो ये जो नया वर्षन है ये ज़्यादा बेहतर है, तो और इसका जो माइलेज है वो आपको 55 तक मिल जाएगा, और अगर आप 100 से ऊपर चलाओगे तो 45 मिल जाएगा, जो और किसी बाइक में आपको नहीं देता है, बस यामा वाला ही देता है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा लेना है, ये लेना है कि और कुछ लेना है। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक, बाय, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।